दिन से मेरा मन व्याकुल हो रहा था, मन कर रहा था वाराणसी जाने का, तो बस उसी सच के तलाश में मैं निकल गया पटना से वाराणसी के लिए। पटना से तत्काल जो ट्रेन मिली उस ट्रेन को मैंने सीधा पकड़ के मैं पहुंच गया शिव की नगरी, हिंदुस्तान की आस्था की राजधानी वाराणसी में। कृति साहित्य और शिक्षा, साड़ी और स्वाद के बेजोड़ संगम से रोशनी काशिका में आज मेरी यह पहली सुबह है। बनारस की इन गलियों में मैं यूं ही घूम रहा था, मैंने बस 50 कदम ही आगे बढ़ाए और मैंने खुद को पाया लक्ष्मी चाय वाले के सामने। कारीगर ने 8 छोटे ब्रेड स्लाइस को एक साथ फंसा के कैद कर लिया और कॉइल की गर्मियों को उनमें कैद करने लगे जब तक तब तक कि उस पर एक लेयर ना झड़ जाए। रोजाना यहाँ हजारों ब्रेड को एक साथ सेका जाता है लेकिन जलता एक भी नहीं। इस काम को करने के लिए और कुछ नहीं, तजुर्बे की ज़रूरत होती है। सारे ब्रेडों को सीख जाने के बाद कारीगर ने बड़े प्यार से ब्रेडों को निकाला और उस पर एक बटर की परत चढ़ा दी और उसके ऊपर कुछ काला नमक छिड़का और तुरंत मेरे हाथ में थमा के कहा कि जल्दी खा लीजिए वरना सारी ब्रेडें सुस्त पड़ जाएंगी। यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया। कारीगर ने 8 छोटी ब्रेड के स्लाइसें एक साथ फंसा के कैद कर ली और उसमें कोयले की गर्मियाँ कैद करने लगे जब तक तब तक कि उस पर एक परत ना चढ़ जाए और फिर वापस उसे निकाल कर उस पर बटर लगा के सबको परोसने लगे। मैंने चाय के पहले दमदार चुस्की ली और गजब का सुकून मिला, मानो शरीर पूरा व्याकुल हो गया है। जून माह के इस महीने के गर्मी के बीच जैसे ही मैं बनारसी गलियों में आगे बढ़ा तो मैंने खुद को पाया एक आम रस के दुकान के सामने। कारीगर आम के टुकड़ों को काट एक बर्तन में रख उसे मिक्सर में डालता, उसके बाद उसमें थोड़ी दूध मिलाता और उसमें कुछ बर्फ़ डालने के बाद उसको जैसे ही मिक्स करता ये देख के मन अलग ही प्रसन्न हो गया हो। कारीगर बड़े प्यार से आम रस को ग्लास में डालता और एक एक करके हमें परोस देता। आमरस के इस स्वाद लेने के साथ एक बार फिर से मैं इन बनारस की गलियों में घूम जाने के लिए निकल पड़ा था। बनारस की इन गलियों में घूमते घूमते मैं काफ़ी थक सा गया था तो मैंने एक ऑटो रिक्शा करने का फैसला लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद, थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद मैं पहुंच गया वाराणसी के BHU कैंपस के अंदर, जहां एक शिव भगवान का मंदिर है और इस मंदिर में दर्शन करते ही मानो एक सुकून सा मिल गया, एक शांति सा मिल गया शरीर में। BHU को कैंपस से निकलते ही थोड़ी दूर चलते से ही मैंने अपने आप को पहलवान लस्सी वाले के सामने पाया। बाहर में बैठा ये कारीगर बड़े प्यार से दही को मटके में लेके उससे मथ रहा था। पहलवान लस्सी के घूट लेते ही मानो मेरा शरीर है वो तृप्त हो गया। यहाँ से मैं आगे बढ़ा और पहुँच चला 80 घाट के पास। बोट पर तैरते तैरते मैंने वाराणसी के चारों घाटों का बड़ा अच्छा सा आनंद किया, बड़ा अच्छा से घूमा। अगर आप वाराणसी आते हैं और यहाँ का पान का जायका नहीं लेते हैं तो आपको एक अधूरा अधूरा सा एहसास ज़रूर होगा, तो बस इसी को पूरा करने के लिए मैं एक बार फिर निकल पड़ा था। कारीगर इस पान के पत्ते पे एक एक करके बहुत सारी चीज़ों की परत चढ़ाते गए और चढ़ाते चढ़ाते और इन्हें अंतिम में जाके बंद कर दिया गया और मुझे दे दिया गया। इसे खाते ही मानो बहुत सारे स्वाद का बादल मेरे मुंह में फट चुका था।
घूमते कब सूरज ढल गया, कुछ वक्त का पता ही नहीं लगा। शाम ढल गई और अंधेरा सा छाने लगा। इसी अंधेरे के बीच जगमगाने लगा एक घाट, जिसे हम लोग कहते हैं दशाश्वमेध घाट। कहा जाता है ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वों की बलि दी थी, तब से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया है। सूरज के डूबते ही दशाश्वमेध का घाट रूप दिखने लगा। देखते ही देखते सूरज ढल गया और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, कल फिर मैं आपको एक नई सी चीज़ घुमाऊँगा और नई सी चीज़ें दिखाऊँगा।